निवड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा मेरी आवाज आ रही है? ये पेज नंबर क्या था इसका वेरिएंस वाला? पेज नंबर 119 जरा एक मिनट निकलेगा। पेज नंबर 119 घर जाके नजर आया था पेज? यस सर। बंद कर दिया ये बेटा किस किस जगह इशू है जरा कैंडली बता दो। लेबर में हुक्म करें कहा? लेबर रेट वेरिएंस का करना क्या? नहीं नहीं मतलब इसकी जरूरत क्या है? एक्चुअल रेट निकालना, एक्चुअल आज भी निकालना। जी लेबर की वर्किंग करवाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स वर्क प्रोडक्शन माइनस। एक सेकंड कह लीजिए जरा सब लोग भी सुन रहे हैं बात हो रही है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर लेबर का ढूंढना सिक्स या ट्वेल्व? व्हाट इज ट्वेल्व? एक्चुअल रेट सी रिक्वायरमेंट अच्छा निकालना अवेलेबल नहीं है यह है लेकिन सर इसका कुछ डाटा शायद है। एक्चुअल लेबर कॉस्ट का नहीं देखें यार चीजें बिकॉज दिखाए एक्चुअल रेट अवेलेबल नहीं है लेकिन शायद कुछ है। एक्चुअल लेबर कॉस्ट अवेलेबल है शायद बताइए क्या? 171320 डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क मिसिंग और एक्चुअल आवर्स वर्क फिर एक्सर आंसर है 1050 अगर एडवर्स है तो ब्रैकेट लग गई सॉल्व हो जाएगा मेरा कल एक्चुअल आवर्स वर्क आ जाएंगे आ जाएंगे सर करें सर सॉल्व कैसे सॉल्व होगा सर 12x माइनस मेरे ख्याल 171320 ही हो जाएगा एक्स एक्स वैसे ही कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा ना तो ये तो ऐसे ही नहीं रह जाएगा। x इज इक्वल टू 171320 ऐसे नहीं होगा। हाँ जी सॉरी उधर भी फिगर एक मिनट इसका इज इक्वल टू 10580 नेगेटिव ठीक है जी सॉरी 12x इज इक्वल टू 1 अब ये माइनस प्लस हो जाना जाके 160 नहीं बेटा माइनस होना यार उधर नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव हो जाना। सॉल्व कर दें कैलकुलेटर भाई यार खुदा का नाम नहीं यार कमाल हो गई मेरा कैलकुलेटर क्या हो गया लास्ट टाइम से करवा दो यार ये तो इंटरेस्टिंग नहीं है। नहीं नहीं मतलब ये फिगर ये ठीक है 160740 ठीक है अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 133 क्या है अभी x क्या है एक्चुअल आवर्स वर्क है एक्चुअल आवर्स वर्क भी रिक्वायर्ड थे यार अब लेकिन एक्चुअल आवर्स वर्क अगर आ गए तो मेरे ख्याल एक्चुअल रेट भी आ जाएगा कैसे 171320 डिवाइड बाय 13395 12.79 अप्रोक्सीमेट जब भी कैंडी सॉल्व करें ना तो पहले अपनी तरफ से कोशिश करें आपने देखा होगा आंसर उसमें खुली थी ब्रैकेट तो आप हो गए परेशान ये ब्रैकेट क्यों खुल गई ब्रैकेट वैसे ही खुल गई थी मतलब ऐसे भी होता था
तो आंसर बेटा बाद में देखा करें, और आंसर में डेफिनेटली सिर्फ ये मैच किया करें कि आपकी फाइनल फिगर सही है नहीं जी। अब लेबर एफिशिएंसी में से क्या निकलना है, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअल यूनिट्स तो वैसे ही मेरे ख्याल निकल आए थे यूजेज वेरिएंस से। अच्छा ऊपर जरा रिक्वायरमेंट ए का मीनिंग बताया जरा। एक्चुअल आउटपुट मींस एक्चुअल प्रोडक्शन, आउटपुट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आउटपुट, एनी अदर कंफ्यूजन। सर पे नंबर सर ये होना सवाल। सॉरी यार पेज नंबर 119 था, आ जाए 117173 के। नहीं कोई बात नहीं, पिछो केजीस स्टॉक नहीं है ना, पर बताया क्वांटिटी देर इज नो रॉ मटेरियल स्टॉक्स, तो फिर यूज ही परचेज हो। हाँ वो यूज ही परचेज हो एंड परचेज ही यूज होगा, स्टॉक्स नहीं था। तो एक्चुअल आउटपुट का मतलब था एक्चुअल प्रोडक्शन, आउटपुट होती प्रोडक्शन। कोई और कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैटेगरी कैंडी 173 को मेरी तरह मार्जिनल की स्टेटमेंट रहेगी तो स्पीडअप होगी करें। मार्जिनल में दो फिगर्स रहेंगे सर, दिखाई देगा। प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है 1 मिलियन, सेलिंग एडमिन है 2 लाख। ये कंडी जरा फाइनल करना थे से किए, यस आंसर बता दें सर। सर 1032। एक दो करते हैं, वो इतनी ऊंची बोल देते हैं साथ वाले, बस क्यों ये चेक कर रहे हैं और कहानी खत्म हो जाती है सबकी जी। फ्रेंड्स 1032 रिकंसिलिएशन बनानी थी, सर रजिस्टर खोल के बनवा दें जरा। कहां से शुरू किया हुआ आप लोगों सर ने, मार्जिनल कॉस्टिंग या अब्सॉर्प्शन से? मुझे जरा मार्जिनल से करवा दो। प्रॉफिट प्रॉफिट एज पर मार्जिनल मार्जिनल कॉस्टिंग 1032। जिस प्रॉफिट से स्टार्ट करें पहले उसके स्टॉक्स लिखना है और ओपनिंग क्लोजिंग लिखना। तो ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, फिगर्स बोल दीजिएगा जरा। 378,000 क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल 210,000। ओपनिंग स्टॉक एज पर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक एज पर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग 2,45,000। ये सर 4,50,000 सवाल में दिया हुआ था हसन साहब, और उसमें बताया हुआ था कि 16% फिक्स कॉस्ट लास्ट ईयर, तो 4,50,000 का 84% फिक्स कॉस्ट निकाल के फिर 378 है। ठीक है, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स में फिक्स कॉस्ट भी है और मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक में फिक्स कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, तो 16% शामिल है। इसका मतलब फिर सिर्फ 84% मींस डायरेक्ट मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स होना चाहिए। बाकी का लिए आई होप के अपने ये प्लस माइनस समझ आ गए। नहीं ठीक है, इस वक्त हो गया, लेकिन ये कल इंशाल्लाह गेम पलट जानी है, तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था, लेकिन यहाँ तक ये ठीक है। चलो क्या अगर दरमियान में ये दो लगानी ब्रैकेट से, उसकी तरतीब कम से कम सही रखिएगा। और तरतीब क्या है? नहीं जी वो भी ठीक है, लेकिन फिर ओपनिंग पहले लिखना है, क्लोजिंग बाद में लिखना है, तो ये ना हो कि आधा करटा हो, ये पूरा ही होना चाहिए। आंसर फाइनल बताइए। प्रॉफिट एज पर किसी ने कोई लॉजिकली सोचा और याद ना आया हो, क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे, चलो उसमें पूछता हूँ फिर आपसे। क्वेश्चन नंबर 3,
रिकंसिलेशन बना रहे हैं। जी इसके क्वेश्चन नंबर 3 के रिक्वायरमेंट होना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूजिंग मार्जिनल एंड अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, पेज नंबर 173। नेक्स्ट पेज पे रिक्वायरमेंट चलेगी, रिकंसिलिएशन बनानी बिटवीन टू मेथड्स, एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिन्होंने आगे बहुत ज्यादा यूज होना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन अब चीजें एडवांस लेवल पे जानी है, तो ये छोटे छोटे काम सही जहन में सेट करें, और ये मजबूरी है कि रोज का रोज काम आप करें। yes, तब से अभी से छागे एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013 वर एज फॉलोस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो 20 का कैलकुलेटर पकड़ के यही ब्रेकअप बनाया, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 132 एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 88। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, क्या भी एक ब्रेकअप पॉसिबल है? 40% क्या जी? वेरिएबल एंड 60% क्या है? फिक्स्ड 66 एंड 99। ये ठीक है ब्रेकअप? ये सही पढ़िएगा, 60% फिक्स है तो वेरिएबल 40% एंड फिक्स 60%। डन सर? अदर इंफॉर्मेशन एज फॉलोस, ड्यूरिंग द ईयर 12,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स वर 4,000 एंड 3,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी which is 15,000 units. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Simple translation mujhe as it is kar de. Maine kuch nahi pucha, sawai translation. Fixed overhead cost kahin dhoondne hai aapke paas? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है कहीं? 88 की बात हो रही है? 88 जेब में रख के दोबारा सेंटेंस पढ़ा, क्या वो 88 15,000 यूनिट्स की नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पे कैलकुलेट हुआ है? क्या 88 कैलकुलेट करते हुए बेस में 15,000 यूनिट्स रखे गए हैं? क्या हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं? आ सकते हैं सर? ये छोटी सी वर्किंग करने जरा साथ ही, जहां पढ़ा आपने। तो सर ये सिंपली जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उन्हें सही तरह ट्रांसलेट करके अपने जेन में सही सेटिंग करें। मेरा ख्याल है कि मैंने सिंपल ट्रांसलेशन पढ़ के यहां तक डिसीजन लिए। किसकी बात हुई है, किसकी बेस पे? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट की बात हुई है, नॉर्मल कैपेसिटी की बेस। वो ठीक है आप जो कह रहे हैं, दूसरा लफ्ज अगर हमें बजटेड ना मिला तो नॉर्मल बजटेड ही होगा, लेकिन फिलहाल जो उसने कहा मैंने वो किया। तो 13,20,000 क्या है? ये फिक्स ओवरहेड होंगे,
ये फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे तभी 15,000 डिवाइड करके 88 रुपीस पर यूनिट बना, ठीक है। ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट है। बजटेड मैंने इसलिए बोल दिया कि नॉर्मल लिखा हुआ है, चले बाकी आगे पढ़ लेते हैं, फिर बजटेड फाइनल करते हैं कि है कि नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड्स है, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 13,20,000। आगे पढ़े, ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 10% ओवर द प्रीवियस ईयर एंड द रॉ मटेरियल एंड लेबर बाय 5%। सिंपल ट्रांसलेशन, पिछले साल के मुकाबले में ओवरहेड्स इस साल 10% बढ़ गए हैं। मटेरियल लेबर आप बोलें, सही रहा पिछले साल अगर ओवरहेड 100 रुपया थे, बेस ईयर कौन सा है, 10% ओवर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल अगर 100 था तो इस साल 110 हो गया, और लेबर मटेरियल लेबर के एंगल से पिछले साल अगर 100 था 105 हो गया। 100 समझ आता है, जब मेरा दिल करता चीजों को 100 बना देता हूँ। 10% नहीं सर, ऐसे नहीं, 10% मैथमेटिकली मीन्स 10/100, 5% मीन्स 5/100। किसको बेस रखा उसमें, किसके कंपैरिजन में आपको बताया गया, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। बेस ईयर इज द लास्ट ईयर, तो बेस जो होती है 100 होती है ना। जिस तरह अगर मैं कहूँ 5% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 5% ऑफ सेल, सेल बेस है, 10% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को बेस रख रहा हूँ, 10% ओवर द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के मुकाबले में 10% और 5% इजाफा हुआ है। ऊपर आए फिगर्स जो आपके पास है, ये जो हमें फिगर्स मिली हैं, ये करंट ईयर की हैं या लास्ट ईयर की हैं? हम 13 में हैं, नेक्स्ट पेज देख लें, हमें 13 की वर्किंग करनी, 13 ही का डाटा है। तो हमारे पास ये इस साल की फिगर्स हैं। मटेरियल का पर यूनिट देखें कितना है, 630 रुपए है, 630 रुपए है। क्या ये 105 है? लेबर वाला ये भी 105 है, लेकिन जो ओवरहेड्स हैं वो 110 और 110 है। हम 13 में मौजूद हैं, क्या 13 में इजाफा हो चुका है? क्लियर है सर? तो मेरा तो नहीं ख्याल, हमें करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है, हमें पिछले साल के डाटा की जरूरत ही नहीं है। तो जब जरूरत पड़ेगी तब सोचेंगे। करंट ईयर का डाटा अवेलेबल है, इंक्रीज हो गया हुआ है, क्या पिछले साल के डाटा की जरूरत पड़ती है? yes, जब पड़ेगी तो देख लेंगे। मेरा तो नहीं, वैसे ख्याल पता नहीं किस इंस्टाग्राम पड़े हुए, लगता है कोई नई ऐप देखी मोबाइल पे, नंबर ही कल ही देखी थी क्लास में। कंपनी यूजेस फाइफो फिर आ गए, ये क्यों आ गए? ओपनिंग स्टॉक आ गया सर पॉइंट बी में। आए सर वर्किंग शुरू करें। स्टार्ट सर बिजनेस नेम लिखे, एक्स वाई लिमिटेड, स्पीड अप हो जाए। डियर फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए सारे, 15-20 मिनट लगते हैं वैसे मैं इकट्ठे होते हैं। क्या लिखें, क्या लिखें, बोर्ड पर कुछ नजर नहीं आ रहा, खाली सफा कैसे भरे। एक्स वाई लिमिटेड लिखा सर, पहले एक्स ढूंढना है, वाई ढूंढना है, लिमिटेड ढूंढना, ट्राई किया करें यार। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस,
For the year ended 31st December. For the year ended 31st December 2013. कठिन जी सारे रुपीज इन रुपीज इन रुपीज चलें ठीक नहीं मिलियंस रहने थे एक मिनट फिगर तो एक आ जाए यार कमाल सेल्स सेल 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 क्वांटिटी ए और बी पढ़े कितने बने कितने कितने पढ़े थे मेरी सजेशन वही है लेजर बना के लिख लें कौन सा लेजर सेन में आना चाहिए फिनिश गुड्स का यूनिट्स का लेजर ब्रॉड डाउन यूनिट्स 3000 क्लोजिंग यूनिट्स 3000 प्रोडक्शन यूनिट्स सोल्ड यूनिट्स 13000 Why the production and sale is different? Openings, closing stock different. बाकी definitely calculator भी किया जा सकता है. जी सर. Starting point. Bytes production. Number of units sold. Multiplied by 1600. Answer. 28 million है. थाउजेंड्स में करना इतना भी रहना तो मिलियंस रहना 20880 बाकी डेफिनेटली कोई मिलियंस में कर रहा तो ठीक है अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है सर गेम आगे चला कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल ठीक है और फिनिश गुड्स क्वांटिटी बताएं 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1600 क्या प्रॉब्लम है Finished goods stock should be measured at 100% production cost. Seema Enterprises page number ढूंढना जरा. Question number 5. Seema Enterprises page number 145. इसके नीचे आपने अधिक सफ़े पे stocks की measurement लिखी भी है. Yes sir. पूरा पढ़ने फिर मेरा एक सवाल आ रहा है आपकी तरफ. आराम से पढ़ने पूरा. सीमा इंटरप्राइज है ये बेटा एंड मेरे पांच सवाल थे पांच छह सवाल मिल गए पढ़े दो रॉ मटेरियल स्टॉक्स शुड बी मेजर्ड एट परचेज कॉस्ट बट परचेज कॉस्ट डजंट मींस परचेज प्राइस ओनली कस्टम ड्यूटी कैरेज इनवर्ट्स वगैरह ब्रैकेट में लिखा होगा अब्सॉर्प्शन हो या मार्जिनल हो इसकी मेजरमेंट सेम है किसकी रॉ मटेरियल की लिखा होगा Work in process stocks should be measured at less than 100% proportionate production cost. Lekin production cost will be different if we are using marginal costing or we are using absorption costing. Kya likha bracket mein? Direct material, direct labor, or sirf variable overhead in marginal costing and in absorption costing fixed overheads bhi add ho jayenge. फिक्स ओवरहेड्स ही ऐड हो जाएंगे या भी ऐड हो जाएंगे ये क्लियर रखिएगा कि स्टॉक में सिर्फ फिक्स कॉस्ट भी नहीं होती मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ साथ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज आल्सो अ प्रोडक्ट कॉस्ट इन अब्सॉर्प्शन कॉस्ट अब फाइनली फिनिश गुड्स पढ़ना 100% प्रोडक्शन कॉस्ट अच्छा यहाँ ना प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है बाकी वही है मार्जिनल अब्सॉर्प्शन में तो इधर आए एक सेकंड उधर उंगली रखे इधर वापस 173 पेज पर 630 लिखें कैलकुलेटर पे 630 प्लस 189 प्लस 220 प्लस 165 प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी होगी नहीं नहीं वो तो अलग का इशू है वो अलग का इशू है वो नहीं बात हो रही
दोबारा देखे मैंने कहा क्या, 680 वो ठीक है, वो बाद में कर लेते हैं बात, वो इशू नहीं है, वो कर लेते हैं। इस साल की प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसे आ जाएगी 630, 130, 189, 220 and 165 selling and distribution cost is also production cost. It should be multiplied by 2 as well. माल हो गया, देखो तुझे क्या करी जा रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट में सेलिंग कॉस्ट फिर भी नहीं है, चाहे मार्जिनल हो या अब्सॉर्प्शन हो, प्रोडक्शन कॉस्ट डजंट मीन सेलिंग कॉस्ट एज वेल। दोबारा जाए वहां पे, वहां 145, वो ठीक है 100% प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स ओनली। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉक से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे मार्जिनल हो चाहे अब्सॉर्प्शन हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज नेवर पार्ट ऑफ स्टॉक्स, प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। तो मीन्स उसे 630 प्लस 189 प्लस 220 अगर आप करेंगे तो ये अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से करंट ईयर की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन क्या हमें पिछले साल की चाहिए? अगर आप बोर्ड पर देखें 4000 जो है ओपनिंग यूनिट्स हैं, क्या ये पिछले साल बने होंगे? क्या इन पे पिछले साल का खर्चा हुआ होगा? तो क्या वो डिफरेंट हो सकता है करंट ईयर के खर्चे से? अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट डी ना हो तो वी कैन ओनली अज्यूम के जो इस साल रेट्स हैं वही पिछले साल होंगे, लेकिन अगर पिछले साल के रेट्स हैं तो क्या वो डिफरेंट हो सकते हैं? सिग्मा में भी ऐसे हुआ, 800 900 हुआ, एटीएफ ढूंढने ऊपर ढूंढे एटीएफ इसी के ऊपर जब सवाल हो रहा आता है आज 16%, लेकिन लास्ट ईयर का था वो, तो लास्ट ईयर का खर्चा कंसिडर होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक की मेजरमेंट में। ओपनिंग स्टॉक कहां से ओपनिंग बना है? लास्ट ईयर के क्लोजिंग से ओपनिंग बना, ये लास्ट ईयर प्रोड्यूस हो चुका था, मैयर हुआ होगा। तो आए जरा एक पेज छोड़ दें, एक पेज इसके लिए भी चाहिए, फिर अभी मार्जिनल से भी वर्किंग करनी है, तो ये रेट जरा फाइनल करवाए जरा, और इसको जरा एक्सप्लेन कर लें, हमें जरूरत पड़नी है ये जरा। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा प्लीज, सारी वर्किंग करें। एक है 2013 और एक हो जाएगा लास्ट ईयर मीन्स 2012, तो इससे कर लीजिएगा, एक मिनट जरा वर्किंग कर लें। 13, 12 डायरेक्ट मटेरियल का रेट बताएं, 13 का 13, 630, एक कैलकुलेट करा दें, बाकी आप कीजिएगा। 2012 में क्या करूं, 680 divided by 105 into 100, ये 105 से कंफर्टेबल है? Yes, करें, बाकी कंप्लीट करें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए एक लाइन रखिएगा, टोटल कर लेंगे ताकि मार्जिनल कॉस्टिंग में वो टोटल यूज हो रहे, और फिक्स्ड ओवरहेड्स। करंट ईयर की फिगर्स गिवन है, लास्ट ईयर पहुंचना है। अब बेटा उजाफा जाने दे, गुस्सा यार। 680 divided by 110 105, ठीक है सर, 5-5 इजाफा हुआ है मटेरियल लेबर में, लेबर का रेट क्या, 189 divided by 180 एंड ऊपर 600 वेरिएबल ओवरहेड्स 132 डिवाइड बाय ओवरहेड्स में 10% इंक्रीज है, और मटेरियल और लेबर में 5% इजाफा है। यहां तक एक टोटल कर लें, ये टोटल जो है फिर मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए बन जाएगा मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का।
951 and 900 respectively. काइंडली प्लीज सॉल्व किया करें, बाद में सॉल्व करके चेक किया करें. ये अगर नोट कर लेंगे तो बताना मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी, बल्कि नोट तो नहीं सॉरी कहना चाहिए, जब सॉल्व कर लेंगे तो बताइएगा. इन टोटल्स का क्या मकसद है जो मैंने किए? मटेरियल लेबर वेरिएबल है, उसका टोटल मार्जिनल कॉस्टिंग में पर यूनिट होगा और सब का टोटल अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए पर यूनिट टोटल होगा. डन हो गया जी फ्रेंड्स, नोट हो गया तो लिख नहीं रहा ऑनलाइन स्टूडेंट्स करें जी, मेजरमेंट करें आप लोग. 400 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स. तो नोट तो नहीं कर रहा, प्लीज कैंडली बता दो, अगर कोई लिख रहा तो बता दो. तो साहब लिख रहे हैं सर, नहीं बता रहे. 4000 इंटू 900 तब करेंगे जब मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग करेंगे. अभी कौन सी कॉस्टिंग से हो रही है? एक ही बात है यार, क्या फर्क है? वही फर्क है ये सर. 980 डन है सर, 980 फाइनल है सर. प्रोडक्शन कॉस्ट सर, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर. कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ये करें जी पूरी. इकट्ठा भी हो सकता है लेकिन कोई इशू नहीं, अलग ही करना. करें फाइनल करें आप. डायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग कैसे करेंगे, बस एक बता दो. 12000 इंटू 600, ओपनिंग की बहस खत्म हो चुकी है शायद. डायरेक्ट लेबर ट्वेल्व थाउजेंड इंटू 189, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 12000 इंटू 132, फिक्स्ड ओवरहेड्स 12000 इंटू. अच्छा यकीनन ना यहाँ पे 10309 कंसंट्रेट कीजिएगा, 1039 ढूंढने के मिनट. वो कट्ठा नहीं ले सकता, वो ले तो मैं सकता हूँ लेकिन मैं लेता लेता हमेशा इसलिए लूंगा या आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अप्लाइड छुप जाएगा बीच में, आपको अप्लाइड नजर नहीं आएगा और असल में गेम अंडर ओवर अप्लाइड की हो जाती है अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में. मतलब फॉर एग्जांपल आप 12000 इंटू 88 जरा करें, जरा ये 1056 अप्लाइड है तो ये नजर आना चाहिए ताकि फिर अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट हो जाए.
आप जरा स्टेट ऑफ 1039 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डेफिनेटली उसमें भी यही अप्लाइड होगा, लेकिन अलहदा फिर शायद नजर ना आए, तो इसको खास तौर पे दोबारा हाईलाइट करना, बल्कि 1056 ही शायद हो जाएगा 1000। तो ये अप्लाइड काइंडली अलहदा नजर आना चाहिए। 7560 2268 1584 1056। ये ठीक है प्लीज। मेरी मैंने जो बात की बीच में समझ आ गई क्या कह रहा हूं? यही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बीच में। 88 क्या है, 12000 क्या है? तो 1050 का नाम अप्लाइड फिक्स ओवरहेड, अब्सॉर्ब फिक्स ओवरहेड, ये वाली वांट से टोटल की जगह 111246 मैयर करें। एक देखा करें 3000 ये किया, 1039 इसे किया जा सकता, 1039 किया जा सकता है यकीनन। दूसरा काम क्या किया जा सकता है, 12468 डिवाइड बाय 12000 इनटू 3000। ओपनिंग क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक में ही नहीं है, सेल हो गया है, और करके लिखिएगा जरा 3000 इंटू 1039 हो सकता है, हो सकता है सर। इसमें तो फिक्स कॉस्ट नहीं है तो होना भी चाहिए ना यार। जी सर आंसर 3117 कॉस्ट ऑफ सेल फाइनल करवाए 13271। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आई है अनएडजस्टेड है, अंडर ओवर अप्लाइड के एडजस्टमेंट करवानी चाहिए बापू कट्ठे डबल। सॉल्व किया करें फिगर्स यार, क्या देख कैसे लिखी जाना, 3 के बाद डबल 1 ढूंढा फिर 7 देखा, प्लीज सॉल्व किया करें, आदत डालें प्लीज। अब कब तक देखी देखा लिखा होता रहेगा। कट्ठे सर 13271 पर अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट करें। रेडी है जी, रेडी है सर। अप्लाइड बता दें कितना है जी, एंट्री बोल दें अप्लाइड की 1056 एंट्री बोल दें। वर्क इन प्रोसेस डेबिट फिक्स्ड ओवरहेड्स क्रेडिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स के एंगल से बन रहे हैं, एक्चुअल ढूंढने सवाल में ढूंढने एक्चुअल ढूंढने। हाँ जी ठीक है, लेकिन पता है आपको कल बात होगी, एक्चुअल ढूंढने की कोशिश करें, नहीं है आप पहले ये फाइनल कर लें, ये जो 1320 आपने ढूंढा था ये बजटेड है या एक्चुअल है। हिम्मत वाले हिम्मत ये नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पे था, और बजटेड कैपेसिटी ना होने की वजह से ये फिर बजटेड कैपेसिटी है, तो ये बजटेड रेट है 88। कैसे कैलकुलेट हुआ हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स की बेस पे है, तो 1818 क्या है, 88 सॉरी क्या है, एब्जॉर्प्शन रेट है, तो उसकी बेस पे जो रिवर्स वर्किंग होके 1320 आया है, ये बजटेड आया है या एक्चुअल आया है? आया बजटेड है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जाए ऊपर, हिम्मत वाले हिम्मत उसका नोट 1 पढ़े, अगर क्या ना पता हो तो फिर क्या ही क्या है,
तो ये है बजटेड ही, है बजटेड ही, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने जहन से, फॉर्मूला नहीं बना एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्चुअल और बजटेड, अगर एक्चुअल बजटेड हम सेम ले रहे हैं तो फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस नहीं है। तो 1320 मिल गए सबको, एक्चुअल है बजटेड है, बजटेड है लेकिन क्या ना होने की वजह से हम इसे एज इट इज ले रहे हैं, एक्चुअल ना होने की वजह से बोल लेना कर लिया यार क्या होगी, इतनी भी क्या मायूसी है, बताएं क्या लिखूं डेबिट साइड पर, वन थ्री टू जीरो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स क्रेडिट, एक्सपेंसेस क्रेडिट करना, बैलेंस करा, मान लो कोई कंफ्यूजन कर ली, कोई इश्यू सर, माइंड अप करा, 254 की एंट्री बोले कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ठीक है अंडर है ओवर है, लेकिन अंडर ओवर अप्लाइड से शायद ज्यादा जरूरी है कि इसको करना क्या है, प्लस करना है माइनस करना है, ये इंपॉर्टेंट सीन है, तो एंट्री बोले खुद से आपने हासिल, टू फिफ्टी फोर प्लस होना है सर, 264 प्लस होना है, तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ना है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में एक्सपेंस प्लस करना, ठीक है सर, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़े क्लियर, कोई कंफ्यूजन प्लीज, कॉस्ट ऑफ सेल फाइनल बता दें, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स 1355535, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मेट फाइनल करें, 227265, क्या है 7265, कैसे आया ये, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल सॉल्व करें, 2020 2080 माइनस 13535, ये यहाँ तक जरा सारे आ जाएंगे प्लीज, अगर आगे पीछे रह गए तो आ जाए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बता दीजिएगा प्लीज, यहाँ जो लोग आगे अगर आगे सोच कर कंप्लीट कर, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कटे हो गए यहाँ पर, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हो गए, जी सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढे, वेरिएबल ढूंढे हैं, फिक्स ढूंढे हैं, यहाँ वैसे किसी ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, ढूंढे जी कितने हैं, 95, करें करें हिम्मत करें हिम्मत करें, गिवन नहीं है लेकिन कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, वेरिएबल और फिक्स अलहदा करना जरूरी है यहाँ, क्या कर सकते हैं हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलहदा करने की जरूरत नहीं है, करना चाहें तो वैसे इन्फॉर्मेशन है शायद, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब रेट दिया हुआ है, सवाल ये पैदा होता है कि मल्टीप्लाई कैसे करें, सोल्ड यूनिट से या प्रोडक्शन यूनिट से, देख लें सोच लें, 1300 इंटू 165, वाई वी आर नॉट सेग्रीगेटिंग इट, क्योंकि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल फिक्स दोनों ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही आना, तो देयर इज नो नीड एज सच कि हम इसे ब्रेक करें, 2145 वर्किंग क्लियर है सर, सोल्ड यूनिट्स उठाएंगे या प्रोडक्शन उठाएंगे, ऊपर जरा वर्किंग देखिए अपनी, वहां तो 12 डाली है, प्रोडक्शन के यूनिट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स, सेलिंग कॉस्ट सेलिंग यूनिट्स, डन है कर लें मैडम।
5120. एनी कंफ्यूजन? ये बनाए जरा मार्जिनल से, जरा करें 5-7 मिनट काम, फिर कुछ फेन है तो मुझे बता दें, बाकी काइंडली अपनी मार्जिनल से वर्किंग शुरू करें। क्या करें यार, हिम्मत करें। फाइव वन टू जीरो डन सर, मार्जिनल करें सर। वेटिंग फ्रॉम योर साइड स्टूडेंट्स, थोड़ा आप भी करें और पूरा आंसर कंप्लीट करने के बाद फाइनल आंसर बताइए।
जी हाँ जी 5176 जी बेटा बिल्कुल ठीक है 5176 है ये 5176 अब यहाँ वेरिएबल और फिक्स रहता करना पड़ना सेलिंग का इंफॉर्मेशन है इनटू 99 66 वेरिएबल इंफॉर्मेशन है ग्रॉस नेट कंट्रीब्यूशन अलग अलग आएगी ये रिकंसिलिएशन बना दिया करोगे 5176 अगर आ गया रिकंसाइल कर दो फॉर्मेट फाइनल हो गया ग्रॉस नेट याद आता है तब जो लोग अभी कर रहे हैं ग्रॉस नेट तक आ गए यहां तक मैच कर ले मेरे साथ नेट कंट्रीब्यूशन तक कोई कंफ्यूजन आ जाए देख लेना थोड़ा यहाँ स्टूडेंट्स आप भी बेटा मैच कर लो आंसर दोबारा चेक कर लेना अगर एक एक फिगर मैच है तो आंसर इंशाल्लाह सेम आएगा अब फिगर्स देख लेना और जाने दे फैजान साहब 1056 नहीं यार अप्लाइड थोड़ी आना अप्लाइड आना है मार्जिनल में जुर्म ना करें 1056 अगर यहाँ क्या काम है अप्लाइड आना है जितने सवाल किए देखें जल्दी से पीछे अप्लाइड लिखा अप्लाइड लिखेंगे तो ऐसे ही होना अप्लाइड का कोई कॉन्सेप्ट ही कहाँ नहीं है तो यहाँ एक्चुअल आना जो फिलहाल अगर नहीं है तो किसके बराबर है बजटेड के बराबर है तो बजटेड एक्चुअल है अप्लाइड एक्चुअल नहीं कह रहा ये हजरात जो लिख रहे हैं कहाँ तक पहुंचे यहाँ तक हो गए नहीं यहाँ तक हो गए नहीं नेट कंट्रीब्यूशन तक फाइनल फिक्स कॉस्ट के फाइन पर आप लोग कौन कौन सी ढूंढनी होती है प्रोडक्शन हो वो भी ढूंढनी है सेलिंग है वो भी ढूंढनी है ढूंढने जरा प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन जितनी भी है
चलो रिकंसिलिएशन बना रहे बेटा, बनाते रहे काइंडली, बाकियों के साथ चांस है। प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन फाइनल करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए आंसर तक 5176, जो लोग रह गए हैं तो काइंडली फाइंड अप फाइनल करें। प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट यहां आनी है एक्चुअल अप्लाइड अगर ना हो तो फिर क्या क्या है? बजटेड एक्चुअल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रेकअप है इनटू 99 शायद होगा, इज इक्वल टू 1287 50 5176, वो ठीक है टोटल कर लो। ठीक है ठीक ठीक, यहां से ऑनवर्ड सर ये प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब चीजें जो हो गई हैं साथ साथ बढ़ती जाएंगी आगे, बस प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। जब भी को मैं पिछले टॉपिक का कोई सवाल दूं तो काइंडली साथ साथ फाइनल करना। 5176 जाने सर, रिकंसिलिएशन बनाए बनाने बनाने रिवाइज करना okay, और बेटा क्वेश्चन से फिगर ले रहा हूँ क्या होगी अपनी वर्किंग देखे रेड नहीं 900 मिल गया प्लीज 900 प्लीज फिगर्स रिलेट करें। प्रॉफिट एज पर कहां से स्टार्ट किया है वजह कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वही जब भी प्रिंटिंग में ये रिकंसाइल हो गया जिन लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 करें यार, अब नया कोई बड़ा सवाल करने का मेरा टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा इंडिविजुअल जरा सॉल्व कर, ये डेफिनेटली बेटा प्लीज अब्सॉर्प्शन से स्टार्ट कर लें, मार्जिनल तक आना है, मार्जिनल से स्टार्ट कर लें अब्सॉर्प्शन तक आना, जिस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे पहले उसके प्रॉफिट्स उसके स्टॉक्स लिख लें और फिर जिस प्रॉफिट तक आना है उसके स्टॉक्स को बाद में लिख लें। ये स्टॉक्स की फिगर लिखवाई कर ओपनिंग स्टॉक्स अब्सॉर्प्शन के 3920 एंड 3117 मार्जिनल का 3600 2853 बारल काइंडली फाइनल करें। अब ये चीज वो तो रिपीट रही है, अगर आपने मार्जिनल से शुरू किया है तो आपकी फिगर्स की तरतीब डिफरेंट होगी, इंशाल्लाह आंसर सेम होगा। हो गया लेकिन सर अगर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चले गए। एनी कंफ्यूजन एनी कंसिलेशन सर, सब का रिकंसाइल है सर, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो चुका सर।
एक दो जगह मिस्टेक का खतरा आपसे, डाटा सिंपल ही है, कोशिश कीजिएगा। मैं लिखता हूँ कैंडली, पहले आप 10 मिनट लगा देना। 4 पेज नंबर बता दे, 4 नेक्स्ट पेज है सर। ये बेटा आप डांसर कंप्लीट कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ठीक है, आपकी कंप्लीट कर। ये वेरिएंस वाली कुछ चंद चीजें बीच में आ गई, सही अप्लाई की थी। बस गए, मिनटों में फंस गए सर, या केजीज में ही फंसे हुए। जी ठीक है,
तो सब कंप्लीट कर लें बेटा, फिर एक दफा डिस्कस कर लेंगे, अपना फाइनल आंसर निकाल लें। जी सेल कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जी? 1 लाख इंटू सेल प्राइस पर यूनिट कितनी? 900 नहीं 900 180 नहीं सेल प्राइस पर यूनिट 180। अच्छा ये सर ये डायरेक्ट मटेरियल आ गया 5760 देख लें आ गया। केजी सी और केजी का रेट दिया हुआ है तो 12,000 को सीधा 60 की तरफ दे रहे हैं, ऐसी इतनी मुश्किल क्या है? पहले केजीज बनाने पड़ेंगे सर, केजीज बना के फिर केजीज का रेट लगेगा, या केजीज से यूनिट का रेट बना लें। डायरेक्ट लेबर 120 इंटू 27 पे बात खत्म करें। सॉरी 80 करके सर जी जाने दें बस। 1,20,000 है 1,20,000 1,20,000 इंटू 80 बात खत्म हो गई। क्या मसला है, क्या मसला है? यूनिट्स है 1,20,000 यूनिट्स है और 80 जो है पर आर रेट है। या क्या करें, या तो यूनिट्स के पहले आर्स बनाए और फिर आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करें, या यूनिट से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आर्ली रेट को पर यूनिट के रेट में कन्वर्ट करें। प्रॉब्लम क्या है? 27 मिनट है, हो सकता है सर कुछ क्योंकि शायद हुआ भाई किसी जमाने में काम हुआ भाई। वेरियंस में जाए क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढने जरा, एक मिनट एक नजर रिवाइज कर लें, देखे जरा वेरियंस क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढ के जरा पेज नंबर बताए। हेल्प लिमिटेड 1 वेरियंस के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढे। 30 मिनट्स की गेम थी वहां, 30 मिनट्स 33 मिनट्स 104 पेज 104 नीचे चले जाए, एक 33 मिनट्स वाली वर्किंग हुई हुई है। डिवाइड बाय 60 वाली गेम क्यों चली हुई है? तो मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना तो फिर 60 मिनट्स इन एन आवर। डन है सर? बोर्ड पे देखें जरा, कैंडी करवाएं वर्किंग करो। 27 डिवाइड बाय 60 इंटू 80। एक और एंगल से जरा देखें दोबारा बोर्ड पे, ये ठीक है सर? 60 इंटू 80 ठीक है सर। 27 इंटू 27 डिवाइड बाय 60 से क्या बन जाएगा? नहीं आवर्स बन जाएंगे, पर यूनिट आवर्स बन जाएंगे, मिनट से आवर्स बन जाएंगे। पर अभी आवर्स बन जाएंगे 1,20,000 से मल्टीप्लाई हो गए तो आप 80 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका ऑल्टरनेट देखें एक सेकंड बोर्ड पर, ये भी तो कर सकता हूँ 1,20,000 इंटू 27 करके मिनट्स बना लो, इन यूनिट्स के मिनट्स बना लो। लेकिन फिर मुझे आगे क्या करना पड़ेगा? 80 रुपीज पर आर को पर मिनट रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या डिवाइड बाय 60 27 को कर लें, आर्स बना के आर्ली रेट लगा लें, या मिनट्स बना के पर मिनट का रेट लगा लें। बोथ थिंग्स आर एक्सेप्टेबल। क्या करें सर जी, क्या करें? एनी कंफ्यूजन?
4320 वेरिएबल एवरेज का तो तुमने पर यूनिट रेट दिया हुआ, वेरिएबल एवरेज का पर यूनिट रेट है पर आ रहा है, वो भी पर आ रहा है, क्या करूं, वो भी सिमिलर हो जाएगा इनटू 27 बाय 60 इनटू 40 2160। ये तो 27 लेबर के मिनट है, नीचे बताया हुआ यार 40 पर लेबर। फिक्स्ड ओवरहेड्स 120 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय रेट ढूंढना है इसका, कोई बल्टी रेट निकल सकता है इसका, अप्लाइड आना जी सर, पहले आप ये फाइनल करने का नहीं है, पहले अप्लाइड निकलना, अप्लाइड रेट निकल पाए 21 लाख डिवाइड बाय 1,05,000 20 क्या निकाला है पर यूनिट पर आर, हम कैसे कर सकते, हमें क्या पता, शुक्र है हमें पता है। आंसर 24 लाख हाईलाइट कर ले, क्या है ये स्टूडेंट्स, बड़ा क्लियर है यहाँ तक, वाइंड अप करें सर आप, बस ये फिगर्स का इशू था जी। नेट प्रॉफिट बड़ा मेरा ख्याल है 3800 तक आएगा, चलें पूरा आगे चल। एनी कंफ्यूज एनीवेयर, ना बता रहे हैं ना कर रहे हैं, बोर्ड पे फिगर्स आती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ही होंगी। ये अब्सॉर्प्शन का अगर 3800 किसी का आगे आगे माइनल से करें कदम माइंड डिमिशन तला आगे करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइनल हो जाएगी 1614 जी, ठीक है 3800 1464 धीरे स्टॉक का इशू कोई नहीं है, सीधा क्लोजिंग से ही बचा, प्रोडक्शन से ही बचा 1460 3400 मार्जिनल डिवाइड बाय 120 इंटू स्टॉक के यूनिट्स 20 सर, टू फोर फोर जीरो ट्रिपल जीरो थाउजेंड में सॉरी हो रहा है 2440 ठीक है। जी मिस्टर मात, कॉस्ट ऑफ सेल बता दो अब्सॉर्प्शन की 11 नहीं यार, पहले डिस्ट्रिक्ट पहले बता दो 12200 जी 12200 तक आ गए नहीं सारे इकट्ठे हो रहे हैं कंडी, मुझे अंडर ओवर फ्लाइट की एडजस्टमेंट करवानी किसी एक साहब ने और मैं ढूंढ रहा हूँ। काइंडली वर्किंग अपनी करके रखें अंडर ओवर अप्लाइड की, मैं ना ढूंढता हूँ जो मुझे नहीं देखना चाह रहा, मैं ढूंढूं कौन है जो सबसे ज्यादा मुझे नहीं देखना चाह रहा, देखता हूँ देखना सब ही नहीं चाह रहा जी। नुमान कर ली वर्किंग अंडर ओवर जॉब, कर लो मैं आ रहा हूँ आप, कर ले सर जी मार्जिनल, कर ले मार्जिनल हो गया कंसेशन बना ले, मार्जिन हो गया रिकंस्ट्रक्शन में आगे बात करूंगा, करें करें हिम्मत करें हिम्मत करें,
आपके लेवल की गेम नहीं है। नीचे अवेलेबल आपके साथ हॉस्टल, ये जाते हुए कैंडी जरा बॉस की बुक लेके जाइएगा वॉल्यूम टू। मैसेज आ गया होगा सर, ऑनलाइन स्टूडेंट एकदम परेशान ना हो जाएगा, आपको भी इंशाल्लाह से सेंड करते हैं। अप्लाइड आ गया सर 2400, 2400 एक्चुअल कितना है 2100 एक्चुअल ही क्यों है, 2100 ही है नहीं, ओवर अप्लाइड लग रहा है मुझे, क्या नहीं दिया तो क्या ही क्या है बेटा, 1564 कैसे निकाल लिए, 3800 आ गया अब्सॉर्प्शन का, ये एडजस्टमेंट करवाई जी अंडर ओवर अब्सॉर्ब कैसे एडजस्टमेंट किया आप लोगों, ओवर अब्सॉर्ब्ड है नेट ओवर हो जाएगा सर ये, तो एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी 1190। ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 6100, सेलिंग एक्सपेंसेस सर ये फाइनल रखिएगा, सेल के साथ लिंक होंगे लिखा हुआ शायद 15 पर यूनिट सोल्ड लिखा हुआ, लेकिन ये ना भी लिखा हो तो सेल के साथ ही आएंगे 1 लाख इंटू अब वेरिएबल लेदर लिखा हुआ, इसलिए लेदर लिखा हुआ लेदर गिवन है, सोल्ड यूनिट्स है 100,000 into 1500 and fixed है 800, answer is 3800 is net profit according to the absorption costing, करके उठे कहीं marginal भी करें reconciliation बनाए, फाइनल है 3800 अब हो गया अब्सॉर्प्शन, एनी कंफ्यूजन इन अब्सॉर्प्शन, जो हजार सामने मेरे बैठे अब्सॉर्प्शन नुमान हो गए, नुमान एज इन एंड हिज फ्रेंड्स जो नीचे बैठे सारे फ्रेंड ही नुमान, ये ठीक है बेटा 3400 ठीक है,
जो लोग मेरी तरफ सारे बैठे हैं उसकी वजह जहां तक मेरा वहां तक आपका भी हो गया। रिवर्स वर्किंग तो नहीं कहते सबसे नीचे 3400 लिखे एक सेकंड रुकेगा सर, जो अभी मैंने रिवर्स वर्किंग की बात की बना लीजिएगा 3400। एक सेकंड बोर्ड पर देखा, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला कर लिया सबने, ये प्रॉफिट है इस पर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग लिखवाया था, इसको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखवाया था, क्लोजिंग स्टॉक एज पर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग लिखवाया, ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग भी नहीं होगा। अब बेटा अगर आपने वर्किंग नहीं भी की हुई तो एक सेकंड जरा अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टेटमेंट में, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टेटमेंट 5760 लिखे कैलकुलेटर पर, 5760 कैलकुलेटर पे लिखा है, प्लस 4320 करें, जो कर रहे हैं पता क्या हो रहा है, प्लस 2160 करें इज इक्वल टू द बॉटम। ये मार्जिनल कॉस्टिंग एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, डिवाइड बाय 1,20,000 करें, मल्टीप्लाई बाय 20,000 कर दें, 2040 क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो क्या यहां से भी प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग पता चलाया जा सकता है? पता चलाया जा सकता है सर, सॉल्व करने के आंसर आएगा, ठीक है। तो 3400 ऐसे भी आ सकता है, सिर्फ क्या चेंज है हो रहा है, वैसे किसको चेंज किया हमने, स्टॉक बदलना, अगर ओपनिंग होता तो ओपनिंग मेजर कर लेते, तो सिर्फ स्टॉक्स के बदल जाने से प्रॉफिट का चेंज आ जाएगा। बाकी आई होप के कंप्लीट कर लेंगे, इससे करें पेज नंबर निकालें 207। आज आपने, कल हमने एक क्वेश्चन करना है जिसमें मार्जिनल अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग विद प्रोसेस कॉस्टिंग आएगी, तो आज आपने फिर प्रोसेस कॉस्टिंग की थोड़ी सी रिवीजन कर लेनी का जाके, तरह पेज नंबर 207 पे आपको ट्यूलिप नजर आएगा, एक ट्यूलिप कर लें और एक चले एक करें, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग की जगह इस तरह करें 190 पेज निकालें, एक जॉइंट बाय प्रोडक्ट की डिवाइस करें, उसमें भी वो जो चीजें आ जाती हैं सारी 190 एंड 207, पेज नंबर 190 पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज नंबर 207 पे भी क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ट्यूलिप एंड क्रिकेट केमिकल्स, साथ साथ चलना गेम है सर, बुक लेके जाइएगा ताकि अंदाजा हो जाए कि गेम आज से ऑन है, यहाँ तक बमुश्किल पहुंचे हम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, कल दोबारा एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह के उठ जाए और कल दोबारा आते ही बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए।